शॉर्ट ट्रिक ऑफ फंक्शन, आज हम एक फंक्शन की सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स को आपको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम इन इस टाइप से प्रॉब्लम को हम विद इन 20 सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन 20 सेकंड। ओके, ये दिस क्वेश्चन इज 2021 जेई मेन में पूछा गया था 25 फरवरी को। ओके, अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 5 raised to power x plus 5, देन द सम ऑफ द सीरीज एफ अपॉन 1/20 प्लस एफ 2/20 प्लस एफ 3/20 एंड सो ऑन प्लस एफ 39/20 इच इक्वल टू ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें सीखेंगे कि कैसे इन्हें, पहले हम इसे आपको प्रॉपर मेथड से कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने समय को क्या कर सकें, सेव कर सकें, बचा सकें। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में ये आपका है एफ एक्स इक्वल टू 5 raised to power x plus 5। देखो इस तरह से बनते हैं, या तो एफ एक्स प्लस एफ 1 - x = 1 बनेगा, या फिर एफ एक्स प्लस एफ 2 - x = 1 आएगा। इस वाले केस में ए वाला बनेगा। ओके, हम ये आगे अभी बताएंगे कि किस वाले केस में कौन सा वाला केस बनेगा कम समय में, जिसे आप पहचान सकें। ओके, आप इसको चेक करेंगे तो ये वाला केस बनेगा एफ एक्स प्लस एफ 2 - x = 1। ओके, दिस इज एफ एक्स, एफ 2 - x को हम जब एफ एक्स में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, अब देखें एफ 1/20 लिया, फिर एफ 2 - 1/20 ले हम, तो दिस इज एफ 1/20 प्लस एफ 39/20 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट वाले को ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा। ओके, इस तरह से देखो एफ, ये तो हो गया एफ 1/20 प्लस एफ 39/20 इक्वल टू 1। ओके, अब हम एफ 2/20 प्लस एफ 38/20 करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला 1, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट वाला, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट इक्वल टू 1, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट इक्वल टू 1। तो इस तरह से देखो कितने पेयर बनेंगे, विचार करें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 39। तो 38 के कितने पेयर बनेंगे, 19 पेयर बनेंगे। 38 के कितने पेयर बनेंगे, 19 पेयर बनेंगे। इस तरह से देखो हम उसे बताते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया है, ठीक ना। अब देखिएगा ऐसे हम किस तरह से लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड, हम अभी ट्रेडिशनल मेथड्स को समझा रहे हैं। दिस इज एफ 1/20 प्लस एफ 39/20, एक पेयर बन गया ये। इसी तरह से एफ प्लस हो जाएगा एफ 2/20 प्लस एफ 38/20, ये दूसरा पेयर बन गया। इस तरह से ऐसे अप टू 19 पेयर बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे, 19 पेयर प्लस एक बचा रहेगा आपका। ओके, क्या बचा रहेगा, ये वाला बचा रहेगा एफ 20/20 वाला बचा रहेगा। शुरू से 19 पेयर बन जाएंगे, राइट से 19 पेयर, एफ 20/20 वाला बचा रहेगा। ये 1 + 1 + 1 अप टू 19 प्लस एफ 1। अब एफ 1 की हम वैल्यू को फाइंड आउट करें तो देखो दिस इज 19 एफ 1, एफ 1 की वैल्यू आपकी होगी 5 raised to power 1 प्लस 5, दिस इज 19 प्लस 1/2। ओके, दिस इज 19 1/2 इक्वल टू 39/2, क्या होगा, 39/2 इसका आंसर होगा। ये तो ट्रेडिशनल मेथड्स है। इस तरह की ट्रेडिशनल मेथड्स करने से विद इन एटलीस्ट 4 मिनट्स का समय इसमें आप एक्सपेंड करेंगे और
शॉर्टकट से आप विद इन 20 सेकेंड आंसर को, करेक्ट से करेक्ट आंसर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन में, तो हम उसको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ओके अंडरस्टूड। तो देखो शॉर्टकट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x-1/1 प्लस ई रेज टू पावर 2x-2/-1 फाइंड एफ 1/2009 प्लस एफ 2/2009 प्लस एफ 2008/2009 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन 1002.5, 1001.5, 1003.5, 1004। ओके तो देखो हम आपको शॉर्टकट बताते हैं किस तरह से इनको विद इन 30 सेकेंड में फाइंड आउट करते हैं, 20 सेकेंड में, विद इन 10 सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अभी आपने इसका ट्रेडिशनल मेथड सीखा, इसको भी हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि यहाँ पर देखें आप लास्ट में 39 है तो इसका आंसर होगा 39/2, यहाँ पर 2008 है तो इसका आंसर होगा 1004, इसका आधा। यहाँ पर लास्ट में जो टॉप पर लिखा रहता है उसका आधा होता है। ओके जैसे आंसर ऑफ फर्स्ट इज, दिस इज फर्स्ट, सो दिस आंसर इज 39/2। आंसर ऑफ सेकेंड, दिस इज 2008/2, तो दिस इज 1004। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है शॉर्टकट तरीके से। ओके अंडरस्टूड। नाउ सम नेक्स्ट एग्जांपल्स। इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x-4x प्लस 2 देन वैल्यू ऑफ 1/1997 प्लस एफ 2/1997 एंड सो ऑन एफ 1996/1997। ओके तो देखो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है, इसका आंसर शॉर्टकट तरीके से होगा 1996/2। ओके एफ एक्स इक्वल टू 9x-9x प्लस 3 देन वैल्यू ऑफ दिस वन, सो इसका आंसर होगा आपका 2019/2, दिस इज द आंसर। अब हम समझते हैं देखो किस तरह टाइप वाले फंक्शन में एफ एक्स प्लस एफ 1-x=1 आता है, और किस टाइप वाले फंक्शन में एफ एक्स प्लस एफ 2-x=1 आता है, यदि आप उसे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। तो देखो इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू 4x-4, यहाँ 4 का रूट आएगा 2, तो इस तरह के फंक्शन में 1 आएगा, एफ एक्स प्लस एफ 1-x=1 होगा। ओके इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझ लें, एफ एक्स इक्वल टू 25x-25x प्लस 5, इसमें भी यही केस होगा, एफ एक्स प्लस एफ 1-x=1 होगा। और भी समझ लें, एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो इस तरह से आ जाए 3x-1/3x-2x-1 +1, तब भी इसमें यही वाला केस होगा, ये फर्स्ट वाला केस होगा। कौन सा, ये फर्स्ट वाला केस होगा, ये भी फर्स्ट वाला केस है, ये भी फर्स्ट वाला केस है, ये भी फर्स्ट वाला केस है। सेकेंड वाले केस में ऐसा होता है एफ एक्स प्लस एफ 2-x, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू है 5x-5x+5, 5 ही आता है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू 3x-3x+3, इस वाले केस में एफ एक्स प्लस एफ 2-x=1 आता है। ओके शॉर्टकट जो शॉर्टकट मेथड है उसमें लास्ट वाले का हाफ क्या होता है, अपना आंसर होता है। दोनों ही केस में शॉर्टकट मेथड से लास्ट वाले का जो हाफ होगा यहाँ न्यूमरेटर में, दैट इज अवर फाइनल आंसर होगा, उसमें हम बेझिझक टिक लगा के।